जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग जानेंगे नाइट्रोजन लॉस के बारे में। जो हम लोग फर्टिलाइजर खेत में डालते हैं तो वो कितना परसेंट हमारा प्लांट एब्जॉर्ब करता है, और क्या वो फर्टिलाइजर एब्जॉर्ब कर रहा है या नहीं कर पा रहा है। आखिर करता है तो ठीक ठीक, यदि नहीं करता तो किस फॉर्म में वो नाइट्रोजन लॉस हो रहा है, आखिर कहाँ जा रहा है, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। सो दोस्तों, जो अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को बजा दें। चलिए दोस्तों, अब हम लोग पढ़ते हैं कैसे लॉस होता है, कितना परसेंट प्लांट हमारा एब्जॉर्ब करता है। सो दोस्तों, जो नाइट्रोजन लॉस होता है वो तीन टाइप के लॉस होते हैं। पहला लॉस होता है आपका वर्टिलाइजेशन लॉस, दूसरा डीनाइट्रिफिकेशन लॉस और तीसरा लीचिंग लॉस। वन बाय वन हम लोग तीनों फैक्टर को हम लोग पढ़ेंगे। सो दोस्तों, पहला हम लोग वर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो व्हाट इज वर्टिलाइजेशन लॉस? नाइट्रोजन लॉस का पहला टाइप है जो वर्टिलाइजेशन लॉस। और वर्टिलाइजेशन लॉस क्या होता है, देखिए, जब वर्टिलाइजेशन लॉस किसका हम कहते हैं, जब अमोनिकल फर्टिलाइजर जब आपका फील्ड में देते हैं और वो अमोनिया गैस में डायरेक्ट रिलीज हो जाता है, उसको हम लोग वर्टिलाइजेशन कहते हैं। और ये कब होता है, जब हमारा पीएच, सॉइल का पीएच ग्रेटर देन 8 होता है, तभी ये प्रोसेस होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिलाइजेशन लॉस बोलते हैं। आइए देखते हैं कैसे होता है। देखिए, NH4 जो अमोनियम फर्टिलाइजर है वो डायरेक्ट क्या होता है, NH3 में गैस बनकर ये उड़ जाता है। जैसे हम लोग फील्ड में डालते हैं फर्टिलाइजर और ये क्या करता है, ये डायरेक्ट रिलीज होता है। क्यों होता है, जब हमारा पीएच, सॉइल का पीएच ग्रेटर देन 8 होता है तभी ये प्रोसेस होगा, वरना ये नहीं होता है। इसका मुख्य कारण क्या है, हमारा पीएच बढ़ने का कारण क्या हो सकता है, हमारा पीएच बढ़ने का कारण यह है कि जब हम लोग एक्सेस यूज ऑफ यूरिया करते हैं, हम लोग ज्यादा यूरिया देते हैं प्लांट को कि वो हरा भरा दिखे, तो वही कारण है कि हमारा जो सॉइल है, सॉइल का पीएच बढ़ने लगता है। वो 8 से जब जैसे ही ज्यादा जाएगा तो वो क्या होगा, अमोनिकल जैसे फर्टिलाइजर आप डालेंगे यूरिया, तो तुरंत वो क्या होगा, गैस में बनकर रिलीज हो जाएगा। देखिए, हम लोग यूरिया जब हम लोग फील्ड में डालते हैं, यूरिया NH2CONH2 ये होता है यूरिया NH2CONH2। ये हम जब कब डालते हैं, हम लोग जब फील्ड में वाटर होता है तब डालते हैं। तो ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और ये क्या बनाता है, NH4। ये क्या बनाया, फिर से अमोनिकल फर्टिलाइजर बनाया। और यही अमोनिकल फर्टिलाइजर जब पीएच 8 से ज्यादा होता है तो ये क्या होता है, लॉस हो जाता है, हमारा प्लांट को नहीं मिलता है, वो क्या होता है, एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। यही कारण है कि 60% इंडिया में लॉस होता है नाइट्रोजन का, किसके थ्रू, वर्टिलाइजेशन के थ्रू। और लोग कहते हैं कि हमारे फील्ड में हमने यूरिया डाला लेकिन उसमें कुछ प्रभाव नहीं हुआ, वो क्यों, क्योंकि उनका सॉइल पीएच क्या है, ग्रेटर देन 8 होता है, इसलिए वो क्या हुआ, वो प्लांट इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, वो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में चला गया। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो सही हो जाए, यहाँ पर कौन सा फर्टिलाइजर डालेंगे, जो यहाँ पर सोल्यूबल फर्टिलाइजर होता है, कैल्शियम सोल्यूबल फर्टिलाइजर हम लोग यहाँ पर डालेंगे यूरिया की जगह, जैसे हम लोग DAP डालेंगे, कैन डालेंगे यहाँ पे इसकी जगह। अब आइए हम लोग दूसरा प्रकार पढ़ते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन। व्हाट इज डीनाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन क्या है, ये भी आपका दूसरा टाइप है जहां पर नाइट्रोजन का लॉस होता है। आइए देखते हैं क्या होता है। नाइट्रेट आयन गैस के फॉर्म में रिलीज होता है, इसी को हम लोग डीनाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। क्या होता है ये कब होता है, जब हमारा सॉइल वाटर लॉक कंडीशन में होता है, तब वहां पर माइक्रोब्स वहां पर जनरेट होने लगते हैं, उत्पन्न होने लगते हैं, और उनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और वाटर लॉक कंडीशन के कारण वहां पर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, तो माइक्रोब्स हमारे सॉइल के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होने के कारण और सॉइल के अंदर से वो लोग ऑक्सीजन लेने लगते हैं माइक्रोब्स, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। आइए देखते हैं क्या होता है, जब अमोन नाइट्रेट आयन हम लोग फील्ड में देते हैं तो कैसे कैसे चेंज होकर और वो नाइट्रेट गैस में बन जाता है। देखिए, ये देखिए NO3 नाइट्रेट आयन्स है, ये माइक्रोब्स, एक माइक्रोब्स यहाँ पे अपना ऑक्सीजन लिया, एक ऑक्सीजन लिया, जितना जरूरत था उतना लिया, ठीक, ये क्या बना NO2-, फिर यहाँ पे माइक्रोब्स का अटैक हुआ, फिर यहाँ क्या बना NO बना, फिर यहाँ पे क्या हुआ, फिर यहाँ पे बना तो फिर N2O बना, फिर अटैक हुआ तो क्या बना
N2 नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन नाइट्रेट एंड नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में क्या हुआ, रिलीज हो गया एटमॉस्फेयर में, चल गया, हमारा प्लांट जो है उसको नहीं कर पाया। ये भी हायर पीएच पे होता है, पीएच होता है 5 to 8। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, रिलीज हो गया। और कौन कौन से ऐसे माइक्रोब्स हैं जो डिनेट्रिफिकेशन करते हैं, सबसे पहले है आपका सुडोमोनास, दूसरा बैक्टीरिया है आपका बेसिलस, थायोबेसिलस, पाराकोकस, और ये लोग का टेम्परेचर होता है 25 से 35 डिग्री। इन सब बैक्टीरिया को हम लोग थर्मो बैक्टीरिया बोलते हैं। और हमारा डिनेट्रिफिकेशन ओनली माइक्रोब्स की वजह से नहीं होता है, हमारा कुछ डिनेट्रिफिकेशन केमिकल की वजह से होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कीमो डिनेट्रिफिकेशन और केमिकल डिनेट्रिफिकेशन बोलते हैं। ये क्या होता है, जब हमारा नाइट्रेट सॉयल रिएक्ट विथ अमोनियम आयन से, रिएक्ट करता है अमोनियम आयन से, फिर क्या होता है वो N2 गैस के फॉर्म में रिलीज होता है। देखिए क्या होता है, जब हम NH4 अमोनियम आयन रिएक्ट करता है नाइट्रेट सॉयल से, तो ये क्या बनता है, तुरंत ये क्या होता है N2 गैस के फॉर्म में, नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में ये रिलीज हो जाता है। इसी को हम लोग, इस रिएक्शन को हम लोग स्प्लाइकर रिएक्शन भी बोलते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है एग्जाम में, स्प्लाइकर रिएक्शन क्या होता है, तो अमोनियम आयंस रिएक्ट विथ नाइट्रेट सॉइल देन फॉर्म रिलीज इन नाइट्रोजन गैस, इसी को हम लोग कीमो डिनाइट्रिफिकेशन भी बोलते हैं। और थर्ड है आपका लीचिंग लॉस। लीचिंग लॉस में आपका क्या होता है कि जब हमारा सॉयल के अंदर जो नाइट्रोजन होते हैं, जब हमारा एक्सेस इरिगेशन होता है या हम लोग जब ओवरफ्लोडिंग हो जाता है, तो वो हमारा सॉयल क्या होता है, सॉयल के अंदर जो नाइट्रोजन होता है, ये मान लीजिए सॉयल है और यहाँ पे सॉइल है, तो वो क्या होगा, वाटर की वजह से वो क्या होगा, नीचे इलिवेशन हो जाएगा, नीचे जाने लगता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लीचिंग बोलते हैं। नाइट्रोजन लॉस कब होता है, जब हमारे वाटर बहुत ज्यादा होता है, हमारा सॉयल का पोरोसिटी कम होता है, इसके वजह से हमारा क्या होता है, सॉयल नाइट्रोजन लॉस नीचे चल जाता है, इलिवेशन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं, और वो नीचे चल जाता है, इसके कारण से लीचिंग लॉस होता है। ये तीन टाइप होते हैं जो आपके नाइट्रोजन लॉस के होते हैं। सो दोस्तों, आई होप आप सबको समझ में आया होगा नाइट्रोजन लॉस क्या है। जय हिंद।